हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ब्रजमोहन सैनी। वैसे तो मैं कई साल से बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन आज मैं आप सभी बच्चों को ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से कुछ वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सभी देखिए, आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आप सभी को जो 12th क्लास की जो अकाउंटिंग है इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ फर्स्ट लेक्चर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है NPO उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये CBSE के लिए इम्पोर्टेंट है कि MP बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उन सभी बच्चों को बता देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई सा भी बोर्ड हो, अगर आपके बोर्ड में ये टॉपिक है तो आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो। ठीक है, सबसे पहले CBSE के लिए मैं बात करता हूँ। CBSE का जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका मेनली जो पेपर होता है, जो मार्कशीट होती है, वो पेपर होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से आपको लिखना तो केवल 80 मार्क्स का ही रहता है और 20 मार्क्स का आपके स्कूल में प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आपकी टीचर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनवाती है और वाइवा होता है और भी एक रिटर्न पेपर होता है, इसमें आपका 20 मार्क्स का होता है। और एक नॉर्मल बच्चा अगर अच्छे से साल भर उसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो 20 में से 80-90 मार्क्स आराम से अचीव कर सकता है। बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, थ्योरिटिकल की। ये जो 80 मार्क्स हैं ये दो पार्ट में कवर है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए 50 मार्क्स कैरी कर रहा है और पार्ट बी जो है वो 30 मार्क्स कैरी कर रहा है। अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूं, पार्ट ए में भी फर्दर तीन यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड। ठीक है, आप देखिए यूनिट फर्स्ट जो है ये हमारे अकाउंटिंग के सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है जिसको हम बोलते हैं NPO। NPO का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस वीडियो में आपको NPO के बारे में ही इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, सेकंड यूनिट जो है NPO जो है, चलो NPO जो है आपके सिलेबस में 10 मार्क्स कैरी करता है, एक सिंगल चैप्टर 10 मार्क्स कैरी करता है, तो उस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये बनता है। कई बार CBSE इसको 11th क्लास में डाल देती है, कई बार CBSE इसको 12th क्लास में कैरी कर देती है। चलिए सेकंड यूनिट जो आती है आपकी, वो आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंट्स आपके बोर्ड में आपके पेपर में 35 मार्क्स कैरी करता है और ये हमारी पूरी अकाउंटिंग का सबसे मेजर पार्ट होगा, नो डाउट। 35 मार्क्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना ही होना है। फिर उसके बाद आता है कंपनी। कंपनी आपके सिलेबस में 15 मार्क्स कैरी करता है। वैसे तो एक कंपनी और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है और ज्यादा वाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे बोर्ड में केवल इनिशियल लेवल पे 15 मार्क्स का ही हमको सीखना है। चलिए अब हम अपने आगे की लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चलिए अब हम हमारे आगे की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 12th क्लास के बोर्ड का सिलेबस, कि 12th क्लास के बोर्ड में कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम हमारी जो लर्निंग है वो स्टार्ट करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो बच्चे देख रहे हैं वो शुरू से लेके एंड तक देखें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका 10 मार्क्स कैरी करता है और 10 मार्क्स में से 6 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है मोस्ट प्रोबेबली, और 4 मार्क्स का मे बी आपके थ्योरिटिकल, जिसमें वन वर्ड MCQs वगैरह आते हैं। तो ये थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो एंड तक पूरी वीडियो को देखें। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन की। किसी भी चीज को समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है NPO का, देखो नाम से पता पड़ रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 11th क्लास आप सभी बच्चे पढ़कर आए, 11th क्लास में जब हम अकाउंटिंग पढ़ते थे तो किसकी अकाउंटिंग पढ़ते थे, किसकी पढ़ते थे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ते थे।
वहां जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, वहां जो हमारी एंटिटी थी, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, मेन उद्देश्य था, वो क्या था? पैसे कमाना था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, नॉन प्रॉफिट। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आएगा। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्ट नॉन प्रॉफिट होता है, उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव आखिर होता क्या? तो इसके पहले लिए मैं आपको डेफिनेशन पे लेता हूं। एंटिटी आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर कल्चरल, मतलब ऐसी सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कल्चरल एक्टिविटी, जैसे स्पोर्ट्स, डांस, ठीक है, पोएट्री वगैरह, जो कल्चरल एक्टिविटी को जो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करते हैं। एजुकेशनल सोसाइटी, जो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, फिर उसके बाद हेल्थ क्लब, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस विलेज, पब्लिक सर्विस टू पब्लिक एंड मेंबर एक्सेट्रा। बात समझना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चरल होते हैं, एजुकेशनल होते हैं, हेल्थ और रिलीजियस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते हैं, समाज के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, चाहे वो हेल्थ के तौर पर, चाहे कल्चर के तौर पर, चाहे एजुकेशन के तौर पर, चाहे रिलीजियस के तौर पर। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके। देखिए एग्जाम्पल होता है हमारा स्कूल। बात समझना, स्कूल्स हमको क्या करता है? बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, हमारे एजुकेशन के लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब, गुरुद्वारा कमेटी एंड गौशाला। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो शहरों में, ठीक है, जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, वहां पे क्या होता है, गायें जो रहती है, कुछ लोग उन गायों की सेवा करते हैं, जो पुरानी गायें रहती है, बीमार गायें रहती है, उनको अपने पास रख लेते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो गौशाला होती है। गणेश उत्सव समिति, आप लोगों ने देखा होगा कि गणेश जी का जब गणेश उत्सव चलते हैं तो मोहल्ले में, कॉलोनी में कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं और गणेश उत्सव समिति बनाते हैं। वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो किस लिए काम करते हैं? चैरिटेबल रिलीजियस वर्क के लिए काम करते हैं। इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक और एग्जांपल, अभी इन दिनों पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, आपके शहर में कोरोना चल रहा होगा। ठीक है, ऐसे समय पर जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूर लोग हैं, उन लोगों को खाने की और बहुत इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे समय पर कुछ लोग, कुछ दानदाता लोग, कुछ अच्छे लोग समाज के सामने आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम इन लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? एनपीओ बनाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कुछ संस्था बनाते हैं, कुछ संगठन बनाते हैं, और वो उन लोगों के लिए खाना, रहना, राशन, सब चीज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी संस्था जो लोगों के लिए, समाज के बेनिफिट के लिए काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक बात ध्यान देना, इसको हम शॉर्ट में एनपीओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपीओ, एनपीओ। कई बार इसको एनजीओ भी बोला जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। एंटिटीज आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ऐसे एंटिटी जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनपीओ बोलते हैं। चलिए अब एक टॉपिक मैं आपको यहां पे और बताता हूं। देखिए यहां पे मैंने एग्जांपल सबसे पहले लिखा था स्कूल्स। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर स्कूल आपने कैसे लिख लिया, हमारी स्कूल तो हमसे बहुत ज्यादा फीस चार्ज करती है, आप स्कूल को कैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। देखो मैं यहां आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। मैंने अभी क्या बताया कि ऐसी सोसाइटी जो समाज के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट। मैंने यूं थोड़ी बोला कि पैसे नहीं चार्ज करेंगे। देखो हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में अगर हमको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो स्कूल कमेटी अच्छे टीचर को हायर करेगी,
और जो अच्छा टीचर है वो स्कूल से तो फीस चार्ज करेगा कि नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल्स हैं वो हमसे फीस तो चार्ज कर सकता है, लेकिन उसका जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है वो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, एजुकेशन को फैलाना, एजुकेशन को बढ़ाना, ठीक है। इसलिए स्कूल्स कॉलेज जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही एक और सिमिलर एग्जाम्पल, एक होता है पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, और एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। कई बार हम किसी संस्था के या किसी ट्रस्ट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां हमारी कंसल्टेंट फीस 50 रुपी लगती है, लेकिन कई बार हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां कंसल्टिंग फीस 500 लगेगी। ऐसा डिफरेंस क्यों? ऐसा डिफरेंस इसीलिए होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें फीस ज्यादा लगती है, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, पैसे कमाना। और जो पब्लिक पब्लिक हॉस्पिटल रहते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल रहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, सर्व टू द सोसाइटी, सोसाइटी की सेवा करना, इसलिए वहां फीस कम रहती। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम सोर्स ऑफ फंड की बात करते हैं। देखो एनपीओ चलाना है आपको, एनपीओ चलाने समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत होगी होगी। अब वो पैसा आएगा कहां से, ना सीधी सी बात है, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो पैसा कहां से आएगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, एनपीओ चला रहे हैं, वो पैसा कहां से आएगा। तो देखिए सबसे पहले कुछ मेन सोर्सेज होते हैं जो हमको इस चैप्टर में आगे पढ़ने हैं, और आगे डिटेल में पढ़ने में एक बार ओवरव्यू ले लेता हूं। सबसे पहला आता है डोनेशन। देखो अगर कोई संस्था है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, गरीबों को खाना खिला सकूं, मैं क्या गया एक बार गुरुद्वारे गया, गुरुद्वारे में मैंने देखा कि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने उनसे बोला मैं नहीं कर सकता, एक काम कीजिए ये पैसे लीजिए, आप मेरी तरफ से लोगों को खाना खिलाइए। मैंने उनको क्या दिया, डोनेशन दिया, क्या दिया, दान दिया। आप लोग कई बार मंदिर में गए होंगे, मंदिरों में भी लिखा हुआ रहता है पूज्य पिताजी की स्मृति से, लिखा रहता है सब जगह लिखा रहता है, तो वो होता है डोनेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, डोनेशन। दूसरा हम बात करते हैं मेंबरशिप फी या एंट्रेंस फी। देखिए अगर मैं बात करता हूं स्पोर्ट्स क्लब की, है ना, आप लोगों ने बड़ी बड़ी सोसाइटीज वगैरह में क्या होता है, बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज में स्पोर्ट्स क्लब सोसाइटी बना के रखती है कि हमारे यहाँ पे हम जो आपस में ही क्लब बना लेते हैं वो, और मिलके उस क्लब का एंजॉयमेंट करते हैं। तो स्पोर्ट्स क्लब वगैरह जब बनाते हैं तो जो फर्स्ट टाइम जो कोई मेंबर उसमें ज्वाइन होता है तो उस मेंबर से वो एक फीस चार्ज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंबरशिप फी। बात समझ ना, जो फर्स्ट टाइम किसी मेंबर से फीस चार्ज करते हैं उसको हम मेंबरशिप फीस कहते हैं। देन इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे क्लब होते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, हेल्पिंग हैंड्स क्लब, बहुत सारे क्लब होते हैं सोशल वेलफेयर करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने एक बार फीस दी जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप फी, लेकिन सोसाइटी तो कंटिन्यू चलती रहेगी, कंटिन्यू खर्चे होते हैं, तो उन खर्चे के लिए आप एक काम करो, हर मंथ का एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लो और वो फिक्स अमाउंट हमको दे दिया करें, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स सब्सक्रिप्शन एक मंथली अमाउंट होता है जो उसके मेंबर देते हैं। कौन देते हैं, मेंबर देते हैं। किसको देते हैं, एनपीओ को देते हैं। मेंबरशिप फीस भी कौन देते हैं, मेंबर देते हैं, लेकिन ये किस टाइम पे देते हैं, ये मेंबरशिप फीस होती है एडमिशन के टाइम पे, और सब्सक्रिप्शन जो होता है वो किस टाइम पे होता है, मंथली होता है। बात समझिएगा और आगे मैं डिटेल में इसको लूंगा। इसके बाद लोन, कई बार हम लोन लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट, आप सभी समझ सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, कई बार गवर्नमेंट से हमको सहायता मिलती है, दान मिलता है, उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनपीओ एंड डिफाइन इट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंटिटी। देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी होती है, ये बिल्कुल 11 जैसा, 11 क्लास में आपने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहां पे हम बच्चों को बताते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों के बीच में एक छोटी सी दीवार होती है,
तो एनपीओ भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं समझा रहा। पर्पस देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? सर बच्चे बोल रहे हैं कि समाज सेवा। क्या होता है? समाज सेवा होता है, सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनरशिप। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन ऑनर नहीं होता है, ठीक है। कोई सिंगल पर्सन ऑनर नहीं होता है, सब लोग मिलके बनाते हैं उसको, ठीक है। इसलिए ऑनरशिप का भी सवाल नहीं होता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए, अगर मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो मैं मैनेज कौन करेगा? मैं खुद मैनेज करूंगा, और कोई मैनेज नहीं करेगा। लेकिन अगर एनपीओ की बात होती है, तो एनपीओ को कौन मैनेज करता है? उसकी मैनेजमेंट कमेटी मैनेज करती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, गणेश उत्सव प्रबंध कमेटी होती ही नहीं होती कमेटी, तो वो कमेटी मैनेजमेंट करती है। फंड, फंड अभी मैंने आपको बताया कि फंड कहाँ से आते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने दिख रहा होगा आप सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 11th क्लास में मैं बच्चों से, आप लोगों से पूछता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जिसको भी पता हो कमेंट करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू दोज स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की, एंटिटी की फाइनेंशियल पोजिशन को शो करते हैं, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब 11th क्लास की मैं बात करता हूं। 11th क्लास में हमने तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस छोटा छोटा लिख रहा हूं, दिखेगा आपको, बोलता भी जा रहा हूं। दूसरा हमने पढ़ा था पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और तीसरा हमने पढ़ा था बैलेंस शीट, ठीक है। दिख रहा है आप सभी को? हमने तीन स्टेटमेंट पढ़े थे, एक ट्रायल बैलेंस, एक पीएनएल ट्रेडिंग पीएनएल, और दूसरा बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस हम किस लिए बनाते थे? कि हमारी जो मैथमेटिकल एरर हो गई है, उसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते थे। पीएनएल किस लिए बनाते थे? प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करने के लिए, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन को चेक करने के लिए। चलिए, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता। बात समझिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किसकी जगह प्रिपेयर किया जाता है? ट्रायल बैलेंस की जगह। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? समाज की सेवा करना, सोशल वेलफेयर करना। वो प्रॉफिट तो कमाता नहीं है। अब प्रॉफिट कमाने के लिए तो पीएनएल बनाते थे, प्रॉफिट निकालने के लिए तो पीएनएल बनाते थे। हमारा मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट का नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल वेलफेयर। तो हम यहाँ पीएनएल अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात समझ में आ रही है सभी को? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस नहीं बनाता, उसकी जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। पीएनएल नहीं बनाता, पीएनएल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, और बैलेंस शीट तो सेम एज इट इज ही बनती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे। अब आगे मैं बताता हूं आपको डिफरेंस। देखो, आप किसी भी चीज को समझते हैं, ये जो टॉपिक है 4 मार्क्स कवर करता है कहीं ना कहीं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डीप में ले रहा हूं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, सोर्स ऑफ फंड पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा यहां पे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों की क्या क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस साथ में लेके चलता हूं। सबसे पहला आता है पर्पस। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? क्या होता है बताइए, बताइए। होता है चैरिटी, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और सोशल वेलफेयर। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न, ठीक है। क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, ये डिफरेंस होता है। दूसरा फंड, फंड का मतलब कहां से पैसा आता है, सोर्स ऑफ फंड। देखिए, एनपीओ जो होता है, मेन सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? डोनेशन, और क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंड कहां से आता है? कैपिटल से आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं, तो यहां पे एनपीओ जो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पीएनएल अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट ये बनाता है।
सरप्लस और प्रॉफिट, ये लास्ट डिफरेंस। चलिए देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अवेलेबल अमाउंट रहता है उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या करना है, समाज सेवा करना है। हम प्रॉफिट तो निकाल नहीं रहे, तो जो मेन जो अमाउंट बचा है, कैसे समझाता हूँ, देखिए इधर देखिए एग्जांपल। मान लीजिए हमारा स्कूल है, स्कूल पे 50 लाख रुपए की बच्चों से ट्यूशन फी, इसमें एक्सपेंसेस हो गए कितने के, एक्सपेंसेस हो गए 20 लाख के एक्सपेंसेस हो गए, बचा कितना 30 लाख। इस 30 लाख को मैं प्रॉफिट नहीं कह सकता। क्यों प्रॉफिट नहीं कह सकता? नहीं सर, क्यों प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये स्कूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये जो प्रॉफिट है ये स्कूल के जो ट्रस्टी होते हैं, जो मैनेजमेंट कमिटी में होते हैं, जो प्रिंसिपल हो जाते हैं, वो घर नहीं ले जाते, वापस स्कूल में ही बच्चों के एजुकेशन में ही पैसा लगाते हैं। इसलिए इस अवेलेबल अमाउंट को मैं प्रॉफिट नहीं कहूंगा। आप बोलोगे सर क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। तो यहाँ एक बात आपको क्लियर होती है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो अमाउंट बचता है उसको हम सरप्लस बोलते हैं। सपोज ये स्कूल की बजाय कोई ट्यूशन होती, प्राइवेट कोचिंग होती, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोचिंग होती, ठीक है। अब यहाँ पे कोचिंग होती तो यहाँ पे हम, मान लो मैं कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है, बच्चों से फीस ली 50 लाख, फीस ली 50 लाख में से 20 लाख खर्चा हो गया, 30 लाख मेरे पास बचा, तो वो मेरे लिए क्या होगा, उसको मैं सरप्लस नहीं बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा प्रॉफिट। वैसे इतना प्रॉफिट होता नहीं है कोचिंग में, ठीक है, बात सबको समझ में आई। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें अवेलेबल जो अमाउंट होता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल अमाउंट होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, सॉरी गलत हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो अवेलेबल अमाउंट होता है उसको हम सरप्लस बोलते हैं, प्रॉफिट का जो अवेलेबल अमाउंट होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम पर्पस प्रॉफिट बोलते हैं। अब कई बार लॉस भी तो हो जाता होगा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर लॉस हुआ तो उसको तो हम लॉस, नॉर्मली लॉस बोलते हैं, लेकिन यहां अगर लॉस होता है तो हम उसको डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। एक बार फटाफट से ओवरव्यू ले लेता हूँ। यहाँ हमने पढ़ा मीनिंग, मीनिंग मींस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, स्पोर्ट, गौशाला, गणेश उत्सव समिति एक्सेट्रा। सोर्स ऑफ फंड, फंड कहाँ से मिलता है, पैसे कहाँ से मिलते हैं, डोनेशन, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, लोन्स, गवर्नमेंट ग्रांट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंटिटी सेपरेट एंटिटी होती है, पर्पस क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर करना, ओनरशिप कोई सिंगल ओनर नहीं होता है, मैनेजमेंट सभी लोग मिलकर करते हैं, फंड कहाँ से मिलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और यहाँ पे डिफरेंस। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में मैं आपको कल से प्रैक्टिकल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।